दो चीज़ें थी। अब मुझे मानसून में यहाँ आना बहुत पसंद है, यहाँ से बॉम्बे दिखाई देता है, यहाँ जुहू चौपाटी इज़ लाइक अ लैंडमार्क इन बॉम्बे, और मुझे यहाँ का फ्रेंच डेकोर बहुत पसंद है। सबसे अच्छा मुझे यहाँ का खाना लगता है। मैं अपनी सारी मीटिंग्स यहाँ करती हूँ, सारे प्रोड्यूसर्स और सारे डायरेक्टर्स को डेल बुलाती हूँ, एंड इतना स्पेस में बहुत सारे लोग हों फिर भी आपको एक अपना अपनापन लगता है यहाँ आकर। यू गेट योर प्राइवेसी। बहुत फेमस नामचीन जो पेंटर थे, जो बहुत कंट्रोवर्शियल पेंटर थे, क्योंकि उन्होंने न्यूड्स पेंट करना शुरू किए। विमेन की जो ब्यूटी है उसको एक अलग नज़रिए से देखकर, एक अलग नज़रिए से कैप्चर करना चाहते थे। उसकी वजह से वो काफ़ी पंडित जो उस वक्त के ब्राह्मिन्स थे, उन्होंने काफ़ी उनके ऊपर कीचड़ उछाला, उनके ऊपर केस कर दिया। ब्रिटिश कोर्ट में उनके ऊपर केस चला काफ़ी साल। उस पूरे पर वो हमेशा ये कहते थे राजा रवि वर्मा कि एक आर्टिस्ट की अपना एक इंडिपेंडेंस होना चाहिए, अपनी कला का कुछ मतलब होना चाहिए। मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ मेरे लिए वो कला है। दैट इंडिपेंडेंस को केतन मेहता ने रंग रस्या में टैप करने की कोशिश की। मैं राजा रवि वर्मा की म्यूज प्ले कर रही हूँ। ये दासी है उनके पैलेस में जहाँ उनकी शादी हुई है। ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज मैरिज एंड वो दासी के मोह माया में आकर वो पहली बार ब्रश उठाते हैं। और उस ज़माने में पेंटिंग का मतलब था पोर्ट्रेट्स करना, और पहली बार राजा रवि वर्मा ने पोर्ट्रेट्स छोड़कर गॉड्स, गॉडेसेस, विमेन, एनिमल्स, नेचर को पेंट करना शुरू किया, ह्यूमंस को पेंट करना शुरू किया। किरदार बोल्ड था इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पीरियड फिल्म था इसलिए मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी। उस समय की हवा, चाल चलन, उनका कपड़े पहनने का ढंग, उनकी अदाएं, वो जैसे अपने बाल रखते थे। हम सब ने उस 2-3 किलो की विक्स पहनी हुई थी जो काफ़ी लंबी थी। रिसेंटली मैं इट्स पीरियड फिल्म बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, क्योंकि पूरा आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है। जैसे हम और आप बात करते वैसे उस समय बात नहीं करते थे, काफ़ी रिदमिक डायलॉग्स होते हैं, हमें पोइटिक लगते हैं, लेकिन उस ज़माने में वो ऐसे कविताएं बोल बोल कर बात करते थे। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। रवि वर्मा जो थे बहुत ही पैशनेट इंसान थे, उनके लिए काफ़ी उनके म्यूजेस थी। उस समय हम उन्हें इंस्पिरेशंस बोलते थे, म्यूजेस बोलते थे। वो इंस्पिरेशन और रिलेशनशिप हमें बिल्ड करना था, दैट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। अगर रंदी पर मेरे किरदार में अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो फिल्म में कोई मतलब ही नहीं। फाइन मॉनसून इट्स वेरी रोमांटिक, इट्स वेरी सेक्सी, इट्स वेरी वर्जिन। मॉनसून रिमाइंड्स मी ऑफ माई फर्स्ट किस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई द फर्स्ट टाइम आई टर्न 18, इट रिमाइंड मी द फर्स्ट टाइम आई टच समवे, इट रिमाइंड्स मॉनसून, बारिश से इतने सारे अच्छे अच्छे लॉन्ग ड्राइव्स, भजिया, समोसाज, मॉनसून इज द बेस्ट सीजन। और बॉम्बे में मॉनसून से अच्छा वेदर तो है ही नहीं।